आज हम चना दाल की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बच्चे हों या बड़े सभी बड़े स्वाद से खाते हैं। तो ये हमने 100 ग्राम दाल ली है, इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे और ढककर रख देंगे, अच्छे से भीगने देंगे हम इसको। दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे मिक्सी की सहायता से दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए पानी हमने इसका निकाल दिया और थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए ये हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है। इधर हमने प्याज लहसुन और हरी मिर्च काट लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, जीरा, कटे हुए प्याज और लहसुन, दो तीन मिनट के लिए हम इन्हें पकने देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा, थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से पकने देंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें ये पिसी हुई दाल डालेंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। थोड़ा पानी मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए हम इन्हें पानी में पकाएंगे। दो मिनट हो चुकी है, अब हम इसमें छाछ डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके छाछ डालते जाएंगे और इसे बराबर से चलाते रहेंगे। ये बची हुई छाछ भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे जब तक उबाल आने तक। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे उबलने देंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और 2 मिनट के लिए फिर से हम इसे पकने देंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। घी से हम इसमें थोड़ा छौंकन देंगे, अच्छे से गरम कर लेंगे इसको। जीरा,